आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में एक पत्नी ने अपनी ही पति की बेसबॉल के डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। सुबह घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस को पहले तो पत्नी ने गुमराह करते हुए सीढ़ी से गिरकर मौत होना बताया, लेकिन बाद में पत्नी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मामला हनुमान ताल थाना के ठक्कर ग्राम का है, जहाँ पति के अत्याचारों से परेशान पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ठक्कर ग्राम निवासी कसीमुद्दीन नाम के शख्स का एक अन्य महिला से प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी सबीना को थी दी, लेकिन पति के डर के चलते पत्नी सब कुछ सहती रही। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात पति पत्नी में अवैध संबंधों को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पहले तो पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद जवाबी हमले में पत्नी ने बेसबॉल के डंडे से पति पर हमला कर दिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर डाली। घटना के बाद पहले तो पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बनाई कि रात के अंधेरे के कारण सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गया था, जिसके कारण पति की मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पत्नी ने सारा सच बयां कर दिया। बहरहाल पत्नी ने पति के अत्याचारों से तो मुक्ति पा ली है, लेकिन अब वह कानून के शिकंजे में है। 19 अक्टूबर 2020 की दरमियानी रात को पंचकुइया मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई हनुमानताल थाने को सुबह सुबह कि एक पुरुष अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत मिला है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा और हमारे द्वारा घटना स्थल पर विजिट किया गया, जहां पुरुष मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और जिसे बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत होने पर हमारे द्वारा इसको तत्काल मर्ग जांच में लिया गया और एक टीम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसकी जांच के लिए लगाई गई। संपूर्ण जांच में पुरुष की अवस्था से पता चला कि यह एक संदेहास्पद मृत्यु है, जिसमें जांच में पाया गया कि यह पति और पत्नी के बीच के आपस में झगड़े होने के कारण रात को जो झगड़ा हुआ, जिसमें पत्नी द्वारा पति पर हमला किया गया, उसी हमले के दौरान यह पुरुष घायल हुआ और अत्यधिक ब्लीडिंग होने से पीएम रिपोर्ट में यह बताया गया कि गले की हड्डी टूटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसे मर्ग को जांच उपरांत अपराध में लिया गया और आज महिला को न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।